जापान अमेरिका इंग्लैंड मुंबई दिल्ली में जाके प्रॉपर्टीज बनाई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जनता को गुमराह किया है। ये संविधान के अंदर भी एक टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है। आज भी हमारे संविधान की किताब में लिखा है आर्टिकल 370 इज ए टेम्परेरी एंड ए ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये कभी स्थायी परमानेंट हमारा कानून नहीं था, लेकिन इसको एक्सटेंड करते करते आगे लाया गया। ये बहुत बड़ा इनजस्टिस करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता से। और साथ ही साथ जो 35A है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है। जो कोई भी कानून बनता है उसको पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति के साइन कराए जाते हैं। 35A को चोरी छिपे रास्ते से कानून की बुक में दर्ज किया गया, जबकि देश की ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में 35A को उस वक्त पास किया गया। आर्टिकल 35A इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर एंड आर्टिकल 370 इज ए वॉल ऑफ हेट्रेड एंड बोथ दिस आर्टिकल हैव टू गो। वी इट इज अवर आइडियोलॉजिकल इश्यू, वी विश द अर्ली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। देखिए ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है। उमर अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर की किसी लड़की से शादी करके उसको जम्मू कश्मीर में अपने घर में अपना सदस्य बनाते हैं तो उनकी बीवी जो जम्मू कश्मीर से बाहर की है उसको पूरा अधिकार है। और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से बाहर सचिन पायलट के साथ शादी होती है उसके सारे राइट्स खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद के समय से लेकर इस धारा के खिलाफ हमने संघर्ष लड़ा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक लंबा संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि ये दोनों आर्टिकल जल्द से जल्द समाप्त किए जाएं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए ठीक नहीं। राणा साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि बीजेपी जो है वो इसको नहीं छेड़ेगी। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परसों वार्ता में बोला है कि बीजेपी बेशक बहुमत से आ गई है लेकिन इसको नहीं छेड़ेगी 35370 को। देखिए मैंने पहले कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनकी पॉलिटिकल पार्टी को अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं हालांकि उन्होंने 3 सीटें जीती है लेकिन उनको सिर्फ 7.8% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट मिला है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इसलिए जितने वोट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने लोकसभा में लिए हैं इतने तो हमारे जम्मू में सरपंच लेके जीते जी। अगर कल को असेंबली इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, विल यू गो फॉर कोलिशन एनी पार्टी फ्रॉम कश्मीर वैली? सी, भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट्स आए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलेगा। थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम आएंगे, जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब भारी मतों से लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गए हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार ने कहा कि 33 सीटों पे आपको एज है, बाकी 17 सीटों पे भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है, 3 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हुई है, श्रीनगर की सीटें कहाँ से आएंगी बाकी? देखिए हमारी अभी अभी लगभग 6 महीने का समय और जो भी निर्णय चुनाव आयोग लेगा जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने आपको पहले कहा अगर कश्मीरी हिंदू जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं अगर इनके एम फॉरम नहीं होते तो कश्मीर घाटी के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी जमानत जब्त होती और सिर्फ बीजेपी की जीत। सर, सीएम केस कौन रहेगा भाजपा का? मेरे सिर्फ वाला जवाब है सर, आपने बोला आर्टिकल का सीएम केस होगा। चलिए वो पर आपने बोला आर्टिकल 370 35A जो है दर्ज के ब्लंडर, लेकिन इस वक्त आपकी सरकार है,
क्या इसको अपर लोअर हाउस में ले जाना, इस बात को कम से कम इतना तो आप ले जा सकते हैं, और अभी आने वाले समय में राज्यसभा में भी आपकी मेजोरिटी रहने वाली है, तो क्या दिक्कत है? क्या आप अभी भी बोलोगे कि सब्जेक्ट्स है और सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ है? एक सवाल ये, दूसरा सवाल हो, आपने बोला स्टेट असेंबली की इलेक्शन के बारे में, 24 सीटें आपकी बढ़ी है पीओके में, अभी आपकी कल परसों एक स्टेटमेंट आई थी कि हम उसके ऊपर काम करेंगे पीओके, 24 सीटें वो कीजिए ना वहां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जिसको पीओजेके कहते हैं, वो एरिया मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, कलंदरी, बाग, देवा, बटाला, ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाग हैं, गिलगित बल्तिस्तान, ये अक्साई चिन, ये वो जम्मू कश्मीर के भाग हैं जो जम्मू कश्मीर के हिस्सा है, जो भारत का की टेरिटरी है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, जिसको पीओजेके और चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख कहते हैं। इस क्षेत्र की 24 सीटें जो पीओजेके की हैं, वो आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में वैकेंट है। 1947 में जब पीओजेके पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में चला गया, वहां से 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट करके इस जम्मू कश्मीर के भाग में आई जो आज हमारे पास है, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें पार्टी की मांग है कि 1/3 पॉपुलेशन जो पीओके से यहां आई थी उनको वो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में दिया जाए, और 24 की 1/3 आप 8 सीटें वो निश्चित की जाए और उनके चुनाव कराए जाए, वो लोग जो जिस जिस क्षेत्र से आए हैं उनका मतदान हो, उनकी असेंबली सेगमेंट्स आइडेंटिफाई की जाए और वो उनकी हदबंदी की जाए और उनका चुनाव कराया जाए, ताकि वो लोग भी असेंबली के अंदर बैठ के अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की बात करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे ये सभी इश्यूज एड्रेस हो जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है। राणा साहब, अमेठी में बीजेपी वर्कर को मार दिया गया, शॉर्ट डेड क्या है, पॉलिटिकल हत्या है, किस तरह देखते हैं? जम्मू कश्मीर में भी पहले ऐसा देखा गया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है जो राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज होती है, पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, ये पर्सनल लड़ाई, इसको लेकर किसी की हत्या करना बहुत निंदनीय है। अमेठी के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी को जिस तरीके से धूल चाटनी पड़ी है, उसके बाद कांग्रेस बोखलाहट में है और बोखलाहट के अंदर आके इस प्रकार का बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेसियों ने यह घोर कृत्य किया है। इस मामले की जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले, ऐसा हम मांग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल किलिंग्स करना ये बहुत ही निंदनीय है। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है कि देश दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की शह पर ऐसा काम करती हैं, लेकिन अमेठी के अंदर ऐसा हो, ये बहुत हैरान करने वाली, दुखद और निंदनीय घटना है। थैंक यू सर। थैंक यू। लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, मुंबई, दिल्ली में जाके प्रॉपर्टीज बनाई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जनता को गुमराह किया है। ये संविधान के अंदर भी एक टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन है, आगे हमारे संविधान की किताब में लिखा है, आर्टिकल 370 इज ए टेम्परेरी एंड ए ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये कभी स्थायी परमानेंट हमारा कानून नहीं था, लेकिन इसको एक्सटेंड करते करते आगे लाया गया। ये बहुत बड़ा इंजस्टिस करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता से, और साथ ही साथ जो 35A है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है। जो कोई भी कानून बनता है उसको पहले लोकसभा राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति के साइन कराए जाते हैं। 35A को छोरी छिपे रास्ते से कानून की बुक में दर्ज किया गया, जबकि देश की ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में 35A को उस वक्त पास किया गया। आर्टिकल 35A इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर एंड आर्टिकल 370 इज ए वॉल ऑफ हेट्रेड एंड बोथ दिस आर्टिकल हैव गो वी इट इज अवर आइडियोलॉजिकल इशू वी विश द अर्ली एबोगेशन ऑफ
आर्टिकल 370 एंड 35A। देखिए ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है। उमर अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर से बाहर की किसी लड़की से शादी करके उसको जम्मू कश्मीर में अपने घर में अपना सदस्य बनाते हैं तो उनकी बीवी जो जम्मू कश्मीर से बाहर की है उसको पूरा अधिकार है। और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से बाहर सचिन पायलट के साथ शादी होती है उसके सारे राइट खत्म हो गए। मैंने ये बोला है कि आप अपने कोर्ट में आपकी जो सरकार सेंट्रल में स्टेट में भी कोर्टल रूल है तो क्या आप कोर्ट में आपका स्टैंड जो है इसके अगेंस्ट जाने के लिए बोलेंगे अपनी सरकार? भारतीय जनता पार्टी जनसंघ प्रजा परिषद के समय से लेकर इस धारा के खिलाफ हमने संघर्ष लड़ा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नाथ जी डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लंबा संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि ये दोनों आर्टिकल जल्द से जल्द समाप्त किए जाए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता ये ठीक नहीं। राणा साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि बीजेपी जो है वो इसको नहीं छेड़ेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परसों वारदाता में बोला है कि बीजेपी बेशक बहुमत से आ गई है लेकिन इसको नहीं छेड़ेगी 35370 को। देखिए मैंने पहले कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनकी पॉलिटिकल पार्टी को अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं हालांकि उन्होंने 3 सीटें जीती हैं लेकिन उनको सिर्फ 7.8% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट मिला है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इसलिए जितने वोट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में ले हैं इतने तो हमारे जम्मू में सरपंच लेके जीते जी। अगर कल को अगली इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी से वोट की जरूरत पड़ती है विल यू गो फॉर पोजीशन विद एनी पार्टी फ्रॉम कश्मीर वैली? सी भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के लोकसभा के चुनावों के रिजल्ट्स आए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलेगा। थंपिंग मेजोरिटी के साथ हम आएंगे जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब भारी मतों से लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बाकी 33 सीटें आपको बाकी 17 सीटों पे भाजपा का कहीं नाम नहीं है। 300 पे आपकी जमानत जरूरी है श्रीनगर की सीटें कहाँ से? देखिए हमारी अभी अभी लगभग 6 महीने का समय और जो भी निर्णय चुनाव आयोग लेगा अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने आपको पहले कहा कश्मीरी हिंदू जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं अगर इनके एम फॉरम नहीं होते तो कश्मीर घाटी के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी जमानत जब्त होती और सिर्फ बीजेपी की जीत। सीएम केस कौन रहेगा? आपने बोला चलिए वो लेकिन इस वक्त आपकी सरकार है क्या इसको अपर लोअर हाउस में ले जाना इस बात को कम से कम इतना आगे जा सकते हैं और अभी आने वाले समय में राज्यसभा में भी आपकी मदद मिलने वाली है तो क्या कहता है क्या आप अभी भी बोल रहे कि सब्जेक्ट से और वो सेंटमेंट्स के साथ खिलवाड़ है? एक सवाल ये दूसरा सवाल हो आपने बोला स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में 24 सीटें आपकी बढ़ी है पीओके में अभी आपकी कल परसों एक स्टेट लाई थी कि हम उसके ऊपर काम करेंगे पीओके 24 सीटें और नीचे वहां होंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको पीओजेके कहते हैं वो एरिया मुजफ्फराबाद वीरपुर कोटली भीमर पलंदरी बाग देवा बटा ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाग हैं गिलगित बल्टिस्तान ये अक्साई चिन ये वो जम्मू कश्मीर के भाग है जो जम्मू कश्मीर के हिस्सा है जो भारत का की टेरिटरी है जो हिंदुस्तान का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में जिसको पीओजेके और चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहते हैं इस क्षेत्र की 24 सीटें जो पीओके की हैं वो आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में वैकेंट है। 1947 में जब पीओके पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में चला गया वहां से 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट करके इस जम्मू कश्मीर के भाग में आई जो
आज हमारे पास है, और जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें पार्टी की मांग है कि वन थर्ड पॉपुलेशन जो पीओके से यहां आई थी उनको वो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में दिया जाए, और 24 की वन थर्ड, 24 की वन थर्ड आप 8 सीटें वो निश्चित की जाए और उनके चुनाव कराए जाए, वो लोग जो जिस जिस क्षेत्र से आए हैं उनका मतदान हो, उनकी असेंबली सेगमेंट्स आइडेंटिफाई की जाए और वो उनकी हदबंदी की जाए, उनका चुनाव कराया जाए, ताकि वो लोग भी असेंबली के अंदर बैठे अपने क्षेत्र की अपने लोगों की बात करें। हम पूरा प्रयास करेंगे ये सभी इश्यूज एड्रेस हो जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है। राणा साहब, अमेठी में बीजेपी वर्कर को मार दिया गया, शॉट डेड किया है, पॉलिटिकल हत्या है, किस तरह देखते हैं? जम्मू कश्मीर भी पहले ऐसा देखा गया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय है जो राजनीति पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, ये वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज होती है। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज, ये पर्सनल लड़ाई, इसको लेकर किसी की हत्या करना बहुत निंदनीय है। अमेठी के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी वो जिस तरीके से धूल चाटनी पड़ी है, उसके बाद कांग्रेस बोखलाहट में है और बोखलाहट के अंदर के इस प्रकार का बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेसियों ने ये घोर कृत्य किया है। इस मामले की जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले, ऐसा हम मांग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल किलिंग्स करना ये बहुत ही निंदनीय है। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा कि देश दुश्मन ताकतें पाकिस्तान की शहर ऐसा काम करती है, लेकिन अमेठी के अंदर ऐसा हो, ये बहुत हैरान करने वाली दुखद और निंदनीय घटना है। थैंक यू सर।